कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसको देखकर लगता है यार ये डायरेक्टर ने क्या बना दिया है और काहे को इतना पैसा बर्बाद किया। ऐसा ही कुछ गणपत फिल्म देखने के बाद शायद आप सोच सकते हैं। रिव्यू के इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करके फटाफट बता दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कि आपको देखनी है या नहीं। खैर ये आपकी चॉइस है, आप देख भी सकते हैं। चलिए, गणपत नाम देसी है या यूं कहें कि अपने देसी मार्वल का सुपर हीरो है और गणपत को जिया है टाइगर श्रॉफ ने। अब टाइगर श्रॉफ है तो डांस तो होगा ही, बॉडी शॉट ही होगी, मारधाड़ होगी, कॉमेडी ऐसी जिस पर आप हंस नहीं सकेंगे या फिर आपको गंदे जोक्स पर हंसने की आदत है तो हंस भी सकते हैं। एक शब्द में कहूं तो हॉलीवुड की सस्ती कॉपी है जिसको डायरेक्टर और वीएफएक्स वाले भैया ने बिना मन के बना के निर्माता को लगा दी है। 2 घंटे 16 मिनट की फिल्म है। टाइगर श्रॉफ के अलावा कृति सेनन लीड रोल में है और अपने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन गेस्ट रोल में है। क्या है इस फिल्म की कहानी, बता देते हैं। फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल है जिसको बताते हुए झिझक होती है कि कहीं आप ये वीडियो आधा छोड़ के ना भाग जाओ, लेकिन चले मत जाना भैया, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं, दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुड्डू यानी अपना टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुड्डू ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है ये बिना बताए ही आपको समझ आ गया होगा कि पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्मों से मिलता जुलता है, लेकिन इसे तरह से दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया। कह सकते हैं कि हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी करने की ये एक नाकाम कोशिश है। स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी है? अब बात करें स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन जैसे बड़े स्टार्स का टैलेंट को वेस्ट कर दिया गया। इन दोनों का जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से दोनों से और बेहतर काम लिया जा सकता था। बावजूद इसके टाइगर और कृति ने फिल्म को थोड़ा बहुत अपने कंधे पर संभालने का काम भी किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कद के मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बाकी कौन कौन नाम है उनके याद नहीं। फिल्म का डायरेक्शन कैसा है? फिल्म का डायरेक्शन कुछ बताने जैसा है नहीं। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है और ये उनका अब तक का सबसे कमजोर काम कह सकते हैं। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां हैं। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजिंग बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। अब फिल्म की म्यूजिक पर भी बात कर लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। गाने ऐसे हैं जो कानों को चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक होगा। आपकी मर्जी, आप देखें ना देखें, फिर आपका ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार करें, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीकेंड कोई एक्शन पैक्ड फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता हो। बच्चों को जरूर ये फिल्म पसंद आ सकती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू, इसका रिव्यू में एक कमेंट तो चलिए करते ही जाना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, वरना टाइगर 3 के सारे स्पॉइलर फिल्म रिलीज वाले दिन ही बता दूंगी और फिर मत कहना।